हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ हूं। तो आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग एमआई की सर्विस के बारे में बात करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस मतलब सर्विस सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मेरा कुछ अभी एक्सपीरियंस हुआ था एमआई के साथ अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि ये जो आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया होगा, पहले मेरा जो रेडमी 3S है, तो रेडमी 3S का जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था उस फोन का, तो उसके साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चार्जिंग प्रॉब्लम मतलब कि फोन चार्ज अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। मैंने दो तीन चार्जर से चार्ज किया था पर चार्ज नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ जैसा कि आप 4G नेटवर्क के बारे में जानते हो, तो 4G नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। सिर्फ जियो सिम से नहीं रिलेटेड, पर जितने भी 4G नेटवर्क थे वो अगर मैं उससे यूज करता हूँ तो नेटवर्क बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुलेट होने लगता था और डेटा अच्छी तरह से यूज नहीं होता था। मतलब जब अगर मैंने डेटा यूज करना चाहा, जब मैं अगर डेटा यूज करता था तो कुछ देर बाद डेटा ऑफ हो जाता था, मतलब डेटा का स्पीड आना स्टॉप हो जाता था। तो ये मेरा प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मैंने, जैसा कि जानते हो आप कि मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना में मैं अपने डाक बंगला, मतलब मेरे से दूर पड़ता है पर डाक बंगला सर्विस सेंटर में गया। तो डाक बंगला सर्विस सेंटर में, तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो जब मैं डाक बंगला सर्विस सेंटर गया, तो पहले दिन गया तो पहले दिन बंद हो चुकी थी क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी। तो दूसरी दिन जब मैं गया डाक बंगला, तो सवेरे, मैं आपको बता देता हूँ, 10 या 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास मैं सर्विस सेंटर पहुंचा। थोड़ी भीड़ थी पर मैं गया सर्विस सेंटर में, सर्विस सेंटर में गया और मैं वहां पे फोन के बारे में आपको बताया और मैं आपको एक्सपीरियंस वहां पे बताता हूँ। वहां पे स्टाफ थे तो स्टाफ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि बाकी बात तो मैं आपको बताता हूँ, फोन मैंने दिया और मैं फॉर्म भर के मैंने दिया, अच्छी तरह से सारा मेरा चीज हो गया। और उसके बाद सर्विस सेंटर का जो, मतलब मैंने यूमर सुने हैं कि सर्विस सेंटर अच्छी नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता है, ये सारी चीजें। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैंने, मतलब मेरा फोन का प्रॉब्लम था और जब मैं फोन अपना जमा कर दिया सर्विस सेंटर में, तो उसके मतलब जिस डेट को मैंने फोन जमा किया उसी को शाम के 5 बजे मुझे SMS आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, SMS आ गया जियो के तरफ, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, MI की तरफ से कि आप अपना फोन जाके ले सकते हैं, आपका फोन ठीक हो गया है। तो मैं जब MI के सर्विस सेंटर में गया तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसके कारण उन्होंने बोला कि सर थोड़ी सी जो कागजात करनी बाकी है, तो इन्फॉर्मेशन ये सर तो आप कल आइएगा। तो फिर मैं कल अगले दिन गया सवेरे 11 बजे के आसपास, सॉरी 11 बजे के पास में गया। तो मुझे मतलब सवेरे थोड़ा भीड़ था तो मुझे 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा। तो फिर जब मैं 15 से 20 मिनट रुका तो मैंने फोन मांगा और फोन मांगते ही आप देख सकते हो फोन मेरे हाथ में है और फोन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। मैं आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ, तो शायद ये आपको फोन दिख रहा होगा, तो आपको ये फोन दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि आपको ये फोन दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जियो का नेटवर्क, आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे जियो का नेटवर्क आप देख सकते हो, आपको जियो का नेटवर्क दिख रहा है। तो वो जियो का नेटवर्क अब अच्छी तरह से स्टेबल हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से डेटा मेरा यूज हो रहा है। और जो मेरा चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो चार्जिंग का प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या खराबी, तो और मैं कागज में देखा तो वहां पे उन्होंने मेन बोर्ड PCB मतलब, और जो रिसीवर होती है नेटवर्क रिसीवर, वो उन्होंने चेंज किया। और मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे जो MI का सर्विस लगा वो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप, हो सकता है अगर आपका अलग एरिया हो तो आपको अलग टाइम, हो सकता है आपका फोन टाइम लगे ठीक होने में या और कुछ, पर मुझे MI का सर्विस बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। और मैं MI के सर्विस से बहुत ही अच्छा हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में फोन दिया और एक दिन के अंदर मुझे फोन मिल गया MI की तरफ से। तो आप, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था MI सर्विस सेंटर से रिलेटेड। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई MI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए और कुछ भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपका आंसर दूंगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।